ఆల్రెడీ ఎంపీ సార్ మాట్లాడారు సార్ ఆపం మా ఆయన కూడా చెప్పుకునే గర్పోయినాయన క్యాన్సిల్ కరుణి अपन साहब को जो बोले साहब जो है ये रोड को ऐसे यहाँ पे जाना चाहते हैं, हमें कंटिन्यू करके पीडीपी जंक्शन को यहाँ पे कनेक्ट करो बोल के बोले थे। ये एक है, ये रोड को क्या करें बोले तो यहाँ से जो यहाँ तक खोद के छोड़ दिए, मतलब आज तक इसका काम कम्प्लीट नहीं हुआ, समझे? इन जहाँ की वहीं थे आप उस दिन जो देखे थे आज भी वही थे। और एक चीज़ क्या बोलते हो, मेरे पास 2008 का जो मास्टर प्लान है उसमें जो है ये रोड ऐसा आके मेन रोड को टच हो रही है। अब इसको भी यहाँ से और यहाँ कुछ भी नहीं, खाली एक मिलती है कि दीवार तोड़ के पूरी जंगल है, जैसे भी चार्ज लगाना पूरी रोड मतलब पूरी जमीन क्लियर होती है, 2 महीने में रोड बनती है। और पब्लिक को मतलब ज़्यादा पब्लिक के घरों को भी डिस्टर्ब नहीं होता, किसी को ज़्यादा कंपनसेशन नहीं, खाली एक मिलती से डिफेंस से बात कर लेने का ही मौका ये रहता है, यही की चीज़ है। तो ये अगर कल और एक चीज़ क्या मानू उधर से ले बोले अब क्या हुआ मालूम, ये 7 रोडों का सिरमाना में एक साथ पास करें ना, ठीक है? इसमें कौन से बोला था 8, इसमें चेवड़ला से राजेंद्र नगर भी देखते हैं। ये अब यहाँ एरिया में ये आर्मी स्कूल जो है जो है ये टोटल इंजेक्टिव हो गई, समझे? तो स्टील मिल के पास थी ना, बोले तो आपने लेटर में भी क्लियर मेंशन किया वहाँ से पीडीपी जंक्शन का, तो इसके ऊपर अपन मेहनत करेंगे। ये बेस ऑन दैट ये मार्किंग का सफर करते हैं, जब ये देने के बाद माँ काम अपन करेंगे, है ना? मेरा अपना प्रपोजल के वास्ते ये सब कर रहे हैं बराबर। अपन मन को रस्ता बता रहे, उधर से करे तो हुकूमत के भी पैसे कम होते हैं, काम भी हो जाता। ना चांद में बोल रहे रोड वाइंडिंग करो, ना रही में बोल रहे ना रोड वाइंडिंग करो, मैं यहाँ का मुकामी मैं बोल रहा हूँ यहाँ रोड वाइंडिंग करो। जब हम मुकामी साहब रोड वाइंडिंग खाली एक ही कम्युनिटी है माइपल। हाँ हाँ हवान दगर सौ फीट के रोड के लिए प्रपोजल करे थे, 2 रोड भी थे अपने, एक रिचमोंड से रिचमोंड की रोड है, एक मैपल टाउन की रोड है। साहब को आके दौरा करके असद साहब के पास लेके गए, असद साहब से बात करे, अरविंद साहब से भी बात कर ये रोड के 2 भी रोडों के प्रपोजल को रुका दिए साहब। हम भी लेटर भी दिए आपको, लेटर भी साहब